हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस बार मैं आपको बताऊंगा जैसी डी में कितने फॉर्म पड़े हैं, आपका पर सीट कंपटीशन कितना होने वाला है। तो आप लोगों ने बढ़िया से फॉर्म फिल कर दिया होगा और बढ़िया से आपका एग्जाम आने वाला है, तो भरपूर तैयारी कीजिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए, आपको जॉब 100% मिलने वाली है इस बार। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस बार फॉर्म कितने कम क्यों पड़े हैं, पर सीट कंपटीशन कितना है, पूरा मैं प्रीवियस ईयर आपसे कंपेयर करूंगा कितना प्रीवियस ईयर कंपेयर था, मतलब कंपटीशन पर सीट पे था और इस बार कितना पर सीट पे होने वाला है। तो इससे आपको प्रबल मतलब वो संभावना हो जाएगी कि हाँ इस बार मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा। क्योंकि ये मैं सोचे कि SSCGD में इतनी पोस्ट 26,000 हैं तो एक जॉब मिल जाएगी, तो इतना आसान नहीं कहना, अच्छे अच्छों का पसीना निकल जाएगा इस बार भी। तो देखिए कितना पर्स मैं थोड़ा लिख के लाया हूँ, तो मैं आपको थोड़ा एनालिसिस कर देता हूँ थोड़ा उसके बारे में। तो देखते हैं, मैं थोड़ा बता दूँ आपको, मैं 2018 से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वही उसी टाइम पे पढ़ाई शुरू की थी, तो तभी से मुझे पता है। उसके पहले तो मुझे 15 वाले भर्ती तो नहीं पता, 18 वाले के अप्रॉक्स 18 में। तो फिर हाँ मैं 18 में दादू से 2018 में फॉर्म पड़े थे 52 लाख, सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ने वाले SSCGD का ये 52 लाख फॉर्म पड़ गए थे उस टाइम 2018 में, 52 लाख फॉर्म पड़ गए थे। और उस टाइम वैकेंसीज थी 60,000 जो 18 वाली वैकेंसीज थी। तो उस टाइम जो तब 18 में पहली बार ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ऑफलाइन होता था GD का एग्ज़ाम, 15 वाली जो भर्ती आई थी, उसके बाद जो इस 17 में जो उसकी ज्वाइनिंग मैंने 18 में हुई, फिर उसके बाद जो ये 18 वाली पहली ऑनलाइन भर्ती हुई थी SSCGD की, तो उसमें क्या है फॉर्म संख्या बढ़ गई। अब वही अप्रॉक्स 52 लाख थे, 60,000 वैकेंसीज थी और वही अप्रॉक्स बच्चे पेपर देने गए थे 35 लाख के अप्रॉक्स। बच्चे पेपर बहुत छोड़ देते हैं, तो मैं सोचिए फॉर्म इतने पड़ गए तो इतना हाई कंपटीशन को पेपर बहुत छोड़ने की प्रबल संभावना हो जाती है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ऐसे ही भर देते हैं कि नौकरी आ गई। आप लोगों ने अपने गांव में सुना होगा कि सब लोग ऐसे, अभी पुलिस की आई है तो गांव में क्या कहते हैं, अरे पुलिस की जॉब आ गई है भर दो। तो भरने से थोड़ी नहीं होता है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाके मिलेगी पुलिस की जॉब। ऐसे थोड़ी नहीं खिलवा रहे पुलिस की सबको मिल जाए, तो सब लोग बोलते हैं भर दो पुलिस की जॉब आई है। तो भर तो देते हैं लेकिन पेपर देने जाते नहीं, क्योंकि उनको पता हो जाता है लास्ट तक कि नहीं मेरे बस की नहीं है वहाँ एग्जाम निकालना, इसलिए वो जाते भी नहीं। तो आप खुद देख लोगे अपने गाँव में ऐसे ही होता है, तो कोई नहीं भर तो सब देते हैं लेकिन जाता कोई पेपर देने नहीं। और कोई कोई इमरजेंसी हो गई, कोई की दूसरी जॉब लग गई, इसलिए SSCGD में कोई नहीं जा पाता है, उसका जॉब लेवल थोड़ा हाई होता है, कठिन होती है, इसलिए वो SSCGD नहीं जा पाते हैं। ठीक, फिर इसमें बता दिया। और इसकी पर सीट अगर कंपटीशन अप्रॉक्स की बात कर दो तो 50 हो गई थी, 50 सीट पर मतलब 50 बच्चे पर एक जॉब मिलने वाली थी इस 2018 वाली भर्ती। फिर मैं 2021 वाली जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं 21 वाली की बात कर लेता हूँ। 21 वाले में फॉर्म पड़े थे 71 लाख, आप खुद सोचिए उससे ज़्यादा इस बार पड़ गए 71 लाख। मतलब मेरे टाइम वाली भर्ती में तो सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ गए थे SSCGD के, 71 लाख फॉर्म पड़े थे और वही पेपर देने बच्चे गए थे 40 से 45 लाख के अप्रॉक्स बच्चे पेपर वहाँ पर देने गए थे। अब उस टाइम पे वैकेंसीज थी 25,000, मेरे टाइम पे वैकेंसीज कितनी थी 25,000, तो और इस बार भी वैकेंसी कितनी है 26,000। तो देखिए वैकेंसीज कम होंगी तो पेपर का लेवल 110% बढ़ जाएगा। अब यकीन मानिए इस बार का लेवल बढ़ जाएगा अगली बार के मुकाबले, क्योंकि अगली बार वैकेंसीज ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसीज कम है, लेवल बढ़ जाएगा 110%। मेरा टाइम भी 26,000 वैकेंसी 25,000 थी, लेवल एग्जाम का बढ़ गया था, पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर तो CGL बिल्कुल पेपर जैसा आया था उस टाइम। तो ठीक, उस टाइम पे पर सीट कंपटीशन थी 158, सोचिए 50 से 158 पर सीट कंपटीशन हो गया, इतनी हाई ज़्यादा मतलब पावरफुल, तो इतना ज़्यादा पर सीट कंपटीशन उसमें हो गया। फिर अगले मैं 2022 की बात कर लूँ, जिससे पहले वाली भर्ती आई थी GD की, उसमें फॉर्म पड़े थे वही 55 लाख के अप्रॉक्स और उस टाइम पे वही बच्चे पेपर देने गए थे वही 38-40 लाख के अप्रॉक्स ही पेपर देने जाते हैं, वही 75% ही प्रेजेंटी रह पाती है इतने के अप्रॉक्स। और उस टाइम वैकेंसीज थी 50,000 और पर सीट कंपटीशन हो गया वही 71, पर सीट कंपटीशन कितना हो गया वही 70 के आसपास पर सीट कंपटीशन हो गया था। तो पेपर वैकेंसीज ज़्यादा थी तो पेपर इजी आया था, इसी हाल 2018 वाला था, पेपर वैकेंसीज ज़्यादा थी पेपर इजी आया था। जिस तरह UP पुलिस में होता है वैकेंसीज ज़्यादा होती है पेपर इजी आता है, तो ऐसे जेल वार्डन में वैकेंसीज कम थी UP पुलिस के, उसमें जिलवाड़न में कम थी, तो उसमें क्या हुआ पेपर का लेवल बहुत बढ़ा दिया। तो इस तरह जैसे इस बार भी वैकेंसीज बहुत कम है, 100% लेवल बढ़ने वाला है, तो आप यकीन मानिए मजबूत पढ़िए। मैं सोची कि पिछले मुकाबले देख ली इजी पढ़ के चले जाओ, निकलने वाला नहीं है, वैकेंसीज ज़्यादा हैं, 110% आपकी कट ऑफ, तो कट ऑफ से मतलब नहीं होता वो, पेपर लेवल आपका बहुत अप होने वाला है।
अब मैं 2023 के बारे में बात कर लेता हूँ, इस बार मात्र केवल 45 लाख के अप्रोक्स फॉर्म पड़े हैं, बहुत कम फॉर्म पड़े हैं इस बार। तो सोचिए, जब मेरे वाले टाइम पे था तो 71 लाख फॉर्म पड़ गए, वैकेंसीज इतनी थी। तो आपकी बार भी इस बार पर सीट कंपटीशन 103 है, मतलब पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार आपका कंपटीशन है। तो मैं सोचिए कि कंपटीशन बहुत लो हो गया, सब लोग अगल बगल जॉब मिल गई, तो ये आपकी भूल है। तो अब इतनी बार हो गया है तो अब भरपूर तैयारी कीजिए, बिल्कुल लो मत, बिल्कुल मत रहना। एग्जाम आने वाला है 1-2 महीने के अप्रोक्स, 1 महीने के बाद 110% बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये जॉब मिल पाएगी। वरना तो अब फिर आप सोचोगे कि क्या हो गया मेरे साथ, भगवान साथ नहीं देता मेरा, मेरी किस्मत ख़राब है। अपने आप को दोष दोगे वरना किसी को नहीं, पढ़ाई करोगे तो भगवान साथ 110% देगा, किस्मत भी साथ 100% देगी पढ़ाई करने के बाद। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ना भगवान साथ देगा ना आपकी किस्मत साथ देगी। ओके, बिल्कुल समझ गए। इस बार वैकेंसीज मतलब फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं, लेकिन कंपटीशन पर सीट ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसीज कम है ना। अगली बार तो 50,000 थी, इस बार तो 25 से 26,000 बची हैं। तो हैंड बढ़िया से तैयारी कीजिए और आपको जॉब मिल जाएगी 110%। ओके, सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चले। ओके, थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।